हेलो दोस्तों, मैं हूं परी और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल कुक विद परी में। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नई रेसिपी। तो बनाएंगे हम एक फूली फूली आटे की पूरियाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कई लोगों की डिमांड होती है कि हमारी पूरियाँ फूलती नहीं है, तो अगर आप मेरी तरह बनाएंगे तो पूरी आपकी फूलेगी। तो मैंने लिया है 2 कटोरी आटा और उसमें डाला है 1 चम्मच नमक। और अब नमक डालने के बाद हमें डालना है 2 चम्मच घी। आप तेल भी डाल सकते हैं, कोई भी रिफाइंड ऑयल या फिर सरसों का तेल। तो मैंने 2 चम्मच देसी घी डाला है और उसके बाद 1/2 चम्मच मैंने डाली है अजवाइन। और अब हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है आटे में। तो इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं लगने चाहिए आटे के। तो हमें 1 से 2 मिनट इसको अच्छे से पूरे आटे में मिक्स कर लेना है। पहले सबसे पहले हमें मिक्स करने के बाद, जब तक ये बिल्कुल मुट्ठी में ना आने लग जाए आटा, तब तक हमें मिक्स करना है। ये देखिए मेरी तरह। और अब इसमें डालना है थोड़ा थोड़ा करके पानी। तो हमें आटे को ज़्यादा पतला नहीं करना है, इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है ताकि आटा हमारा अच्छे से टाइट लगे और अच्छे से मत जाए। तो मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा करके आटे में पानी डाला है और उसके बाद मेरा आटा बिल्कुल देखिए टाइट हो चुका है। तो हमें ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है और ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है आटे को। और आटे में जितनी लोच लगाओगे इतना आटा अच्छा बनेगा और आपकी पूरियाँ भी फूलेंगी। अब हमें, मेरा आटा गूंद के हो गया तैयार। उसमें मैंने 1 चम्मच डाला है घी। और ये घी, घी से क्या होता है कि आटे में थोड़ा सा सूखापन नहीं आता है, इसलिए मैंने ये घी लगाया है। और इस घी से चारों तरफ से आटे में अच्छे से लगा देंगे घी को। और अब हमें इसको 15 मिनट के लिए आटे को ढकना है। और 15 मिनट होने के बाद अब हमें लोई की तैयारी करनी है। और जो लोई है उस पे ज़्यादा ध्यान रखिए कि लोई हमें जितना चपाती बनाते हैं उससे आधी ही आटा लेना है और उसकी लोई बनानी है। और लोई को ध्यान रखिए बनाते समय, हमें बीच से जो हमारी पूरी है उसको मोटा रखना है और किनारों से हमें पतला रखना है। अगर आप किनारे से पतला रखोगे तो आपकी पूरी ज़रूर फूल जाएगी। तो ये देखिए, और तेल को मैंने कर लिया है अच्छे से गरम। और हाई फ्लेम पे तेल को पहले गरम करिए, फिर उसको मीडियम पे कर दीजिए गैस को। और ये मैंने पूरी डाल दी है और आपके सामने देखना कि मेरी पूरी कितनी अच्छे से फूलेगी। और चम्मच की सहायता से इसको ऊपर से थोड़ा थोड़ा प्रेस करते रहना ताकि पूरी अच्छे से फूल जाए। और किनारे से फूलने के बाद हमें तेल को निकाल देना है और उसके बाद प्लेट में डालनी है पूरी को। और ये देखिए, मैंने अब दूसरी पूरी आपको फुला के दिखाई है, तो ये भी मेरी फूल चुकी है। देखिए अच्छे से पूरी हमारी फूल की हो गई है तैयार। तो आपको ऐसे ही बनाना है, कुछ ज़्यादा सामान नहीं डालना है जो मैंने डाला है। और ये मैंने सर्व कर दिया है। तो आप आलू की सब्ज़ी के साथ ही बहुत अच्छे से टेस्ट बनता है पूरी का, और रायता लीजिए। और बढ़िया सी पूरी हो गई है तैयार। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक